अस्सलाम वालेकुम सेकंड स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजीज का यूनिट नंबर 11 कर रहे हैं और आज हम देखने जा रहे हैं कि सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट विद सैंपल साइज 2 का क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अगेन सिक्स नंबर्स हैं इसके अंदर, 2, 4, 6, 8 एंड 10। उसके बाद हमने कैलकुलेट करने हैं क्या ऑल पॉसिबल सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट करने और सैंपल साइज अगेन दिया हुआ है 2 का, यानी स्मॉल एन की वैल्यू दी हुआ है 2 और इस दफा हमने विदाउट रिप्लेसमेंट करने, तो प्रोसेस डिफरेंट होगा। बाकी बनाना वही है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स भी बनानी है, फिर उसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है और फिर एंड पे वेरीफिकेशन भी करनी होगी। इस मरतबा हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से कर रहे हैं। जब पहला सवाल हमने किया था विद रिप्लेसमेंट में, उसमें हमने वेरियंस के फार्मूलाज को वेरीफाई किया था, तो यहाँ पे हमें म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू ये प्रूव करना है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन यानी सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एंड अंडर रूट यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज मल्टीप्लाइड बाय करेक्शन फैक्टर, यानी इन दोनों चीज़ों को हमने प्रूव करना है। तो प्रोसेस तकरीबन वही होगा, 5 के 5 स्टेप करेंगे। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर हम सैंपल्स बनाएंगे, सैंपल मीन्स कैलकुलेट करेंगे, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स बनेगी, फिर उस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स का हम मीन एंड वेरियंस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, क्योंकि इस दफ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है यानी स्टैंडर्ड एरर निकालना है, और फिर उसके बाद वेरीफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि कैपिटल एन है 6, यानी अगेन हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। सैंपल साइज हमारे पास 2 है, क्वेश्चन में बताया है कि सैंपल साइज 2 का बनाना है और इस मरतबा हमने विदाउट रिप्लेसमेंट इसको करना है क्वेश्चन को। ठीक हो गया, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक वैल्यूज की मैंने पॉपुलेशन की उसको एक्स को कॉलमर फॉर्म में लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। उसका सम आ गया 42, इनके स्क्वेयर ले लें, 2 का स्क्वेयर आ गया 4, 4 का स्क्वेयर आ गया 16, 6 का आ गया 36, फिर 64, 100, 144 और टोटल आ गया 364। अब हम पहला स्टेप करेंगे, पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। पॉपुलेशन मीन का फार्मूला समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन, समेशन एक्स हमारे पास 42 और टोटल वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ वैल्यू 6 है, तो आंसर आ गया हमारे पास 7। अब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखें, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस म्यू का होल स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर रूट, वैल्यूज पुट कर दें, 364 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 60.67 माइनस 49 विच इज़ इक्वल टू 11.67 और उसका स्क्वायर रूट देंगे तो 3.42 आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास पॉपुलेशन गिवन थी उसका हमने पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल। सेकंड स्टेप, सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स बनाएंगे, क्योंकि अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल्स बनाने का फार्मूला है कैपिटल एन सी एन। वैसे आप लोगों की बुक में एन पी आर भी दिया हुआ है, लेकिन उससे क्या है सैंपल इससे डबल बन जाएंगे, तो हमेशा रिकमेंड करूँगा आप कम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि जब हम परमुटेशन से निकालते हैं तो जो सैंपल यहाँ पे सपोज 15 बन रहे तो वहाँ 30 बनेंगे, अगर यहाँ 10 बन रहे तो वहाँ पे 20 बनेंगे, तो आपकी वर्किंग बढ़ जाएगी। लिहाजा आपने हमेशा कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करना है कैपिटल एन सी एन। तो कैपिटल एन हमारे पास 6, सी 2 और इसकी वैल्यू आ गई 15, यानी इसमें हमारे पास सिर्फ 15 सैंपल्स बनेंगे। अब सैंपल्स कैसे बनाएंगे, ये पॉपुलेशन आपके सामने लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। जब हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे थे तो 2 के साथ तमाम नंबर्स को हमने ऐड लगाया था, पेयर बनाया था, फिर 4 के साथ भी 2, 6, 8, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, हम बैकवर्ड नहीं आएंगे। मसलन पहले हम 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, 2 और 4, फिर 2, 6, फिर 2, 8, फिर 2, 10 और फिर 2, 12, यानी अब 2 ख़त्म हो गया, अब उसके बाद हम बैकवर्ड नहीं जाएंगे, अब नेक्स्ट हमारा बनेगा 4 से, तो 4, 6, फिर 4, 8, फिर 4, 10, फिर 4, 12। ठीक हो गया, फिर उसके बाद 6 से आएंगे, यानी 6, 8, 6, 10, फिर 6, 12, फिर उसके बाद 8, 10, फिर 8, 12 और फिर 10 और 12। ये देखिए ऐसे ही बनेंगे, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, फिर 2, 12, अब 2 ख़त्म हो गया ऑप्शन 4 के साथ, 4, 6, 4, 8, 4, 10, 4, 12, अब 4 की ऑप्शन ख़त्म हो गई तो 6 के साथ, 6, 8, 6, 10, 6, 12, अब 6 की ऑप्शन ख़त्म हो गई 8 के साथ, 8, 10, 8, 12 और फिर 10, 12। ठीक है, समझ आ गया, यानी 2 के साथ 4, पहले 2 के साथ सारे लगाएंगे, फिर 4 के साथ अगले लगाएंगे, फिर 6 के साथ आगे जाएंगे, फिर 8 के साथ आगे जाएंगे और फिर 10 के साथ आगे, बैकवर्ड नहीं आना। तो ये हमारे टोटल 15 सैंपल्स बन जाएंगे। अब इनके मीन निकाल लेते हैं, मीन निकालने का वही तरीका, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें,
टू प्लस फोर किया तो सिक्स, सिक्स डिवाइड बाई टू किया गया थ्री, फिर थ्री टू प्लस सिक्स एट, एट डिवाइड बाई टू किया तो आ गया फोर, एट प्लस टू किया तो टेन, टेन डिवाइड बाई टू किया तो फाइव एंड सोन। इस तरह से हम अपने सारे सैम्पल मीन्स बना लेंगे। अब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स बनाएंगे कैसे, यहाँ पे देखें नंबर कौन कौन से आ रहे हैं उनको एक एक दफ़ा लिखें, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन तक, और फिर उसको काउंट करेंगे कि थ्री कितनी दफ़ा आ रहा है, फोर कितनी दफ़ा आ रहा है या फाइव कितनी दफ़ा आ रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। नेक्स्ट पेज में वो बनाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये देखें जो मीन्स आए हैं हमारे उसको मैंने थ्री से लेके इलेवन तक इकट्ठा करके लिख लिया एक एक दफ़ा। अब उसकी फ्रीक्वेंसी के थ्री एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा था, बल्कि एक ही दफ़ा था, लिहाजा थ्री वन आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, फोर भी वन था, फाइव जब वो टू टाइम्स आ रहा था तो टू लिख दिया, सिक्स भी टू टाइम्स आ रहा था टू लिख दिया, सेवन थ्री टाइम रिपीट हुआ था थ्री, फिर एट टू एंड सो ऑन। उसके बाद इसका टोटल लगाएंगे तो टोटल हमेशा उतना ही होगा जितने सैंपल्स थे, फिफ्टीन सैंपल थे, इसका टोटल फिफ्टीन आ गया। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स बार, अगेन ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, सैंपल मीन्स की। तो उसका तरीकाकार क्या बताया था, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी वन ओवर फिफ्टीन, फिर वन ओवर फिफ्टीन, फिर टू ओवर फिफ्टीन, फिर टू ओवर फिफ्टीन, थ्री ओवर फिफ्टीन एंड सो ऑन। और एंड पे जाके आपने इसका टोटल लगाना है, फिफ्टीन ओवर फिफ्टीन इज इक्वल टू वन, ये हमेशा वन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आपने कहीं कैलकुलेशन एरर किया होगा। नेक्स्ट एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, अब इसका प्रोडक्ट है कि थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन इज इक्वल टू थ्री ओवर फिफ्टीन। अगेन इसमें आपने 15 को ख़त्म नहीं करना, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, 15 आपने साथ साथ कैरी करते जाना है, सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 किया तो 4 ओवर 15, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो 10 ओवर 15, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो 12 ओवर 15 एंड सो ऑन। एंड पे जाके न्यूमरेटर्स को ऐड करें, 105 डिवाइड बाई 15 कर दें, ये हमारा एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का टोटल आ जाएगा 7। नेक्स्ट कॉलम एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार, यानी एक्स बार को दोबारा एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 9 ओवर 15, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 ओवर 15, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 50 ओवर 15, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 72 ओवर 15, फिर 7 मल्टीप्लाइड बाई 21 147 ओवर 15 एंड सो ऑन। इसी तरह इनके अगेन बाद में न्यूमरेटर्स को ऐड कर लें, वो आया आंसर 895, उसको 15 पे डिवाइड कर दिया तो 53.67 आ गया। अब हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स का मीन एंड स्टैंडर्डाइजेशन निकालेंगे और फिर वेरिफिकेशन करेंगे। जो टोटल हैं हमारे अब तक जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो पहले लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये मैंने लिख लिया कि सबसे पहले हमने पॉपुलेशन मीन निकाला, उसकी वैल्यू आई थी 7, पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन निकाली उसकी वैल्यू आई 3.42, सैम्पल साइज हमारे पास 2 का है। अभी जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है पिछली स्लाइड में, उसमें एस्टिमेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का सम आया 7 और एस्टिमेशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार का सम आया 53.67। अब यहाँ से हम स्टेप 4 करते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स निकालते हैं। फार्मूला लिखें, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू एस्टिमेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार विच इज इक्वल टू 7। सेकेंड, अब स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर निकालना, उसका फार्मूला लिखें, एस्टिमेशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की 2.16। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 वेरिफिकेशन। पहली वेरिफिकेशन, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, देखें पॉपुलेशन मीन भी 7 था और म्यू सब जो मीन था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स का वो भी 7 था, तो पहली हमारी वेरीफाइड हो गई। सेकेंड, अब हमने प्रूव करना है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट इनटू स्क्वायर रूट में कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन, यानी करेक्शन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यूज पुट कर दें। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू हमारे पास आई है 2.16, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ जाएगी, और फिर राइट हैंड साइड पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास 3.42, वो पुट कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ एन में आ जाएगा अंडर रूट 2, और फिर कैपिटल एन में आ जाएगा 6 और स्मॉल एन में 2, और इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखें 2.16 इज इक्वल टू 3.42 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 ओवर 6 माइनस 1, और उसको सिंप्लीफाई किया तो दोनों साइड में आंसर 2.16 आ गया। लिख देंगे हैंस प्रूव कि वेरीफाई हो गया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मीन्स का जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन मीन और उसके इक्वल आ गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक पॉपुलेशन ली, इस पॉपुलेशन को हमने विदाउट रिप्लेसमेंट उसके सैंपल्स बनाए और उसके बाद वेरिफिकेशन की, और जो उसका सैंपल साइज था वो भी 2 था। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।